हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, एक और नए ट्रिक के साथ मैं आपको जो है पहले लेके आई हूँ। तो ये जो है 7 से 8 नंबर तक के लिए है। तो ये जो है 11 फंदों से स्टार्ट होने वाली है। मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ पहले आपको। तो देखिए, इस तरह से ये 11 फंदों से स्टार्ट होते हुए जाएगी और तब तक इसे हमने निट करना है जब तक हमारे यहाँ टोटल फंदे 25+25 यानी 50 ना हो जाए। तो चलिए, इजी से पैटर्न को हम जो है स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, 11 फंदे हैं तो आपने, मैं आपको फर्स्ट रो बता रही हूँ तो आपने ध्यान से करना है। फिर मैंने आगे की ओर ले गए हैं और इस तरह से एक फंदे के राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। अगेन थ्री दोबारा से मैंने आगे की ओर ले गए हैं, ठीक है। और फिर इस तरह से ये, मतलब आपने क्रम हर बारी में करते हुए जाना है, ठीक है। तो आपने टोटल कितने लाने हैं यहाँ पर, सारे यहाँ पर सारे आपने लाने हैं, मतलब पूरे तब तक जब तक आपके 50 ना हो जाए, ठीक है। अगेन अगेन मैं थ्री को फिर आगे दोबारा से इस तरह से मैंने जाली को हटाना है, ठीक है। अगेन थ्री, जाली आगे की ओर और मतलब जाली के अरे परे फिर जाली, इस तरह से हमारे ये बढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है। अकिन कह रही हूँ जब तक हमारे यहाँ पर 50 ना हो जाए। तो चलिए, आप भी स्टार्ट कर लीजिए इस ब्यूटीफुल पैटर्न को। बहुत इजी पैटर्न है। तो इससे रिलेटेड एक बात कहती हूँ मैं, अगर आपको ये वीडियोस मतलब ये सॉक्स समझ आ जाती है तो मैं आपको इससे मिलता जुलता एक और पैटर्न बताऊँगी जो एडी से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो फिलहाल तो आप ये समझ लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मेरे जो है यहाँ पर 50 मतलब फंदे पूरे हो गए थे। तो मैंने यहाँ पर जो है लेस कर दिया, यानी कि मैंने इन्हें जो है थ्री पार्ट्स में जो है मैंने इन्हें डिवीज़न करना है। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट कैसे करना है। और जो ये लेस किए फंदे हैं ना, इन्हीं को ही उठाते हुए जाना है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने कैसे करते हुए जाना है। अब जो मैंने जो है ये जो काट की हुई है ना, मैंने ये देखिए इस तरह से, तो मैंने जो है लेफ्ट और राइट साइड यानी कि दोनों साइड से इस तरह से एक एक फंदा इसके ऊपर ट्रांसफर करते हुए जाना है, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ मतलब यहाँ लास्ट तक कॉर्नर तक पहुँच जाना है मैंने, इस तरह से। अगेन बता रही हूँ, इस तरह से ये बाहर का जो फंदा रहता है ना, इसे मैंने यहाँ ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। अगेन इस तरह से लास्ट तक, दोनों लास्ट तक पहुँचना है मैंने। ये फ्रेंड्स, इस तरह से ये किनारियाँ बन के आ गई है, ठीक है। इस तरह का बन के आ गया है ये। तो इससे रिलेटेड एक और बात कहती हूँ कि इसमें मैंने जो है कहीं भी सुई का इस्तेमाल नहीं किया है, नीटिंग मशीन में ही सारा मैंने जो है सब स्टिचिंग करते हुए गई है। और इसमें मैंने जस्ट जो है 7 से 8 नंबर वालों के लिए मैंने यहाँ पर जो रो लेनी है 30, ठीक है। एक्चुअली मेरी यहाँ नॉट खुल गई थी तो होल हो गया, तो मैंने उसे करेक्ट कर दिया है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर 30 रो लेने के बाद जो मैंने इसका जो है यहाँ पर हाफ कर लेना है, यानी हाफ फंदों को लेस कर लेना है। ठीक है, 2 4 6 8 6। अब मैंने क्या करना है,
अब मैंने यहाँ से जितने भी फंदे इनको मैंने उठा लेना यहाँ पर, ठीक है। और फिर जो है यहाँ से हर बारी में एक एक फंदा उठाते हुए जाना जब तक कि हम यहाँ टॉप पे ना पहुँच जाए, ठीक है। इस तरह से एक एक फंदा मेरा बढ़ता हुआ जाएगा। और फिर उसके बाद दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही करते हुए जाना है। मतलब जो उस साइड पे मैं आप बताऊँगी तब इसको भी स्टिचिंग करते हुए जाना है हमने साथ साथ। तभी मैं कह रही थी कि मैंने सुई का इस्तेमाल कहीं नहीं किया है। अब मैं यहाँ पर जो है मिनी सी चार रो की जो है स्काई कलर की मैं रो लगाऊंगी, यानी अब इसको मैं क्लोज कर रही हूँ। फ्रेंड्स इस तरह से मैंने वन साइड कंप्लीट कर दी है, ठीक है। अब मैं सेकंड साइड, ठीक है, तो इसको भी उठाने जा रही हूँ। इस तरह से मैंने ये यहाँ तक पूरे उठा लेना है, ठीक है, यहाँ कॉर्नर तक उठा लेना है मैंने। और फिर हर बारी में जैसे मैंने यहाँ किया था हर बारी में एक एक फंदा बढ़ते हुए जाएगा और मैं फिर यहाँ टॉप तक आ जाऊँगी, ठीक है। इस तरह से फ्रेंड्स अगेन कह रही हूँ हर बारी एक एक फंदा यहाँ पर और यहाँ से जो है हर बारी में, इसलिए मैंने कहा था कि मैंने सुई का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। हर बारी में ये यहाँ पर टॉप तक यहाँ पर ट्रांसफ़र होता जाएगा और यहाँ से ये बढ़ता हुआ यहाँ पर आएगा। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से अब मैंने इसके टॉप में जो क्रोशिया करना है, ठीक है, और इस तरह से ये राइट लेफ़्ट दोनों साइड से ब्यूटीफुल बन के आई हुई है। और देखिए इस तरह से आप चाहो तो यहाँ पर फ्लावर भी लगा सकते हो, एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हो। तो चलिए क्रोशिया करके मैं आपको दिखा लेती हूँ। फ्रेंड्स मेरी ब्यूटीफुल सॉक्स रेडी हो चुकी है, तो आप भी बना लीजिए इस ब्यूटीफुल पैटर्न को। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए। थैंक यू।